पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस श्रृंखला में जिसका नाम है परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन श्रृंखला में हमने पिछली बार जाना कि किस तरह से हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं हमारे लिए नए नए आयाम खोल सकती हैं, नए गेटवेज खोल सकती हैं हमारे लिए हमारी इमोशंस, और किस तरह से एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझ में इस समय लस्ट उठ रही है, हाँ मैं जेलस फील कर रहा हूँ कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस से कई दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी इमोशंस फ्लो करना शुरू कर देती हैं फिर से। हमने पिछले एपिसोड में ही जाना कि किस तरह से जब आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आपको एज अ सोसाइटी ये बताया गया है कि आप अपने इमोशंस को दबा कर रखिए, तो आप एक उस पानी के बॉडी की तरह हो जाते हैं जो कि फ्लो नहीं कर पा रहा। और जब वो फ्लो नहीं कर पाता तो क्या होता है दोस्तों, वो पानी में से स्मेल आने लग जाती है, उसमें कीड़े हो जाते हैं। बिल्कुल यही हमारी इमोशनल बॉडी के साथ भी होता है। जब हमारी इमोशंस फ्लो नहीं कर पाती, जब वो रुक जाती हैं, तो रुकी हुई दबी हुई इमोशंस हमारे शरीर में बीमारी का शेप लेकर बाहर आती हैं। ये हमने जाना था अपने पिछले एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है उसमें एक सीरियल मास्टर हमको अपना मैसेज देने आए हैं। दोस्तों, क्यों आ रहे हैं ये मास्टर्स हमको मैसेजेस देने? हर किसी का अपना अलग मैसेज है। कारण ये है कि उन्होंने भी आप ही के तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ने का एक समय में साहस किया था, और जो उनको अपने अंदर कमियां दिखाई दी, जो उनको लगा कि हाँ हमें अपने इन इश्यूज पर काम करना चाहिए, और उन पर काम करके वो आगे बढ़ गए, असेंशन प्राप्त कर ली उन्होंने। तो हर कोई आपको अपनी टिप्स दे रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि कौन से टिप आपको भा जाए और कौन से टिप आप फॉलो करना शुरू कर दें। ये आपके ऊपर है दोस्तों, आपकी समझ के ऊपर, आपकी प्रज्ञा के ऊपर। लेकिन 100 बातों की एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि हमें पत्री सर ने ये जो हम इतने बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये छोटे छोटे सूत्रों के फॉर्म में दिए। तो सर हमको क्या बोलते, उन्होंने इतनी हमें कहानी नहीं सुनाई, हमें सिंपल सा हमें सूत्र दिया, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, और क्या सूत्र दिया, नो जजमेंट, और क्या सूत्र दिया, इमोशंस को फ्लो करने दो, लेट द इमोशन एक्सप्रेस, यू शुड ऑलवेज एक्सप्रेस योर इमोशंस, ऑलवेज एक्सप्रेस योर इमोशंस। तो कितने छोटे छोटे सूत्र दोस्तों, उनके पीछे का विज्ञान कितना बड़ा, कितना महान। आज हमारे को सीरियल मास्टर हेमोम आए हैं अपना मैसेज देने। तो दोस्तों, सीरियल मास्टर हेमोम हमको क्या बता रहे हैं? सीरियल मास्टर हेमोम, पिछले एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था, वो एक, आप उनको एक गैलेक्टिक एम्बेसडर सोच सकते हैं। जैसे हमारे डिप्लोमैट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो दूसरे दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर संबंध भी अच्छे बनाते हैं, मधुर बनाते हैं, और साथ में वहाँ का कल्चर और वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लेकर आते हैं। तो हेमोम एक सीरियल मास्टर हैं और वो हमारे को आज टिप्स दे रहे हैं कि सीरियंस ने जिसको फॉलो किया और उसको फॉलो करके उन्होंने असेंशन को प्राप्त किया, तो वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस
हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो हम वही बात करते हैं, हमारा जो पेन एंड फियर का बैंड है। पेन और फियर के बियॉन्ड जब हम चले जाते हैं, हम अपनी पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह पर हम काफ़ी सारी थिंकिंग में लॉक्ड हैं। जैसे हम टाइम को सोचते हैं बिल्कुल लीनियर है, हम सोचते हैं इमोशन से भी एक 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 करके डील करना होगा। नहीं, सब एक साथ करेक्शन शुरू हो जाता है, जैसे सब टाइम एक साथ है, सारे इमोशंस एक साथ करेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। कब? जब आप क्वांटम तरीके से काम करना शुरू करते हैं। क्वांटम तरीका क्या है अपनी इमोशंस पर काम करने का? वो है कि आप अपनी श्वासों को साथ लीजिए और कुछ भी नहीं करना। दोस्तों, आपकी श्वास आपके पूरे शरीर में जाती है, और पहले आपको शुरू शुरू में दर्द होती है जब आप ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं। श्वास जब जाती है, जब आंख बंद होती है, इतनी ऊर्जा आती है, तो वो ऊर्जा उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करना शुरू करती है। ब्लॉकेजेस हैं, किसी को आप धक्का देंगे तो आपके भी तो हाथों में दर्द हो जाएगा ना, बहुत ज़ोर से धक्का देंगे तो इसीलिए आपके शरीर में उस पॉइंट पर दर्द होती है। लेकिन हमको पेन से डरना नहीं है, हमको इस फियर पेन बैंड के बियॉन्ड जाना है। तो सीरियन मास्टर हेमोम हमको बताते हैं कि वहाँ के उन नक्षत्र वासियों ने क्या फॉर्मूला अपना के अपना असेंशन किया था। तो दोस्तों, उन्होंने हमें तीन स्टेप्स का फॉर्मूला दिया। और क्या है ये तीन स्टेप्स? पोलैरिटी, पैराडॉक्स, एल्केमी। आइए इनको सिंपल भाषा में समझते हैं। पोलैरिटी का क्या मतलब है दोस्तों? पोलैरिटी का मतलब है दो पोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इस तरह से समझ लीजिए। सोच सकते हैं मैं और तू, ये आपके दो पोल्स हैं। तो जब भी आप सोचते हैं कि हमारी लड़ाई में, आप जब भी बोलते हैं पूरी गलती उसकी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, उसको सेंस बिल्कुल नहीं है। ये कौन सी थिंकिंग है दोस्तों? वही हम तुम वाली थिंकिंग है कि हम सही तुम गलत। ये है आपकी पोलैरिटी वाली थिंकिंग। पूरी पृथ्वी पर हमने कई 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 हजारों वर्ष इस थिंकिंग में बिताए हैं। 13,000 साल के बाद ये फेज आया है गोल घूमकर, जिसमें कि हम पोलैरिटी के बियॉन्ड हमने देखना शुरू किया। देखिए, हम सभी को प्रकृति ने दो आंखें दी हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट हमको क्या बताते हैं बाइबल में? कि जब आप एक आंख से देखना शुरू करेंगे तो तब बात बनेगी। अब दो आंख दिए, एक आंख से हम कहां से देखना शुरू कर दें? क्या बंद कर लें एक आंख? नहीं दोस्तों, जब दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप, और आप ध्यान में बैठते हैं, तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू होती है, जिसको हम शिव नेत्र भी बोलते हैं, जिसको हम होरस आई भी बोलते हैं। और ये जो शिव नेत्र है, ये एक्टिवेट होता है और आपको जो इन दो आंखों को नहीं दिखाई देता वो भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये हम सबकी पोलैरिटी की कहानी है। अभी तो हम पोलैरिटी में जी रहे हैं। क्यों? अभी दिन है, अभी रात है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है, ये सारी हमारी पोलैरिटी की थिंकिंग है। जब हम उसके बियॉन्ड जाना शुरू होते हैं, देखिए उसका बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं? सिर्फ बातें करके नहीं जा सकते, ये एक अनुभव है, एकत्व एक अनुभव है, और इस अनुभव में उतरने के लिए ध्यान ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है दोस्तों। बात तो मुझे लगता है हम कितने हजारों सालों से कर रहे होंगे इन बातों के बारे में। थोड़ी थोड़ी समझ तो हमको कब से है, हमने हमेशा शिव जी के तीसरे नेत्र के बारे में बात करी है, लेकिन उसको हम सिर्फ एक एग्रेशन की फॉर्म में देखते हैं, एक ऑल सीइंग आई की फॉर्म में कभी देखते हैं। तो ये है हमारी पोलैरिटी की स्थिति। अब हम पोलैरिटी से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अब क्या समझ आता है? अब हम आ जाते हैं पैराडॉक्स में। पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है?
ये भी सही है, ये भी सही है। दिन भी अच्छा है, रात की भी अपनी खूबसूरती है। गलती तुम्हारे हस्बैंड की नहीं है, तुम दोनों की ही थोड़ी थोड़ी गलती है। तुम दोनों को ही थोड़े थोड़े चैलेंजेस हैं, तुम दोनों को ही कुछ सीखना था इस लड़ाई से। ये जो थिंकिंग है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। जो गाड़ी चलाना जानते हैं, वो जानते हैं कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक न्यूट्रल गियर आता है, जीरो गियर। तो उसमें क्या होता है, आप इजीली किसी भी गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। आपने कभी भी गियर बदलना हो तो आपको न्यूट्रल पे आना ही पड़ता है। तो जो पैराडॉक्स की स्थिति है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेकेंड में भी जा सकते हो, फोर्थ में भी जा सकते हो। तो कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। इस थिंकिंग को हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल थिंकिंग। क्या आसान होता है पैराडॉक्सिकल थिंकिंग में रहना? आपके दोस्त के घर बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो रही है, मारपीट पर भी बात आ गई दोनों मियाँ बीवी में, आप बोल पाएंगे कि ये तो तुम दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तुम ही सोचो इसको कैसे तुमने रिजॉल्व करना है, गलती किसी की नहीं होती? हम ऐसा बोल पाते हैं? नहीं, हम उस इमोशन में उसके साथ बह जाते हैं, हम साइड्स लेना शुरू कर देते हैं। हाँ वही गलत है, तेरी तो कोई गलती नहीं है। तो ये जब भी हम, ये तो आपकी थिंकिंग जो है वो पोलराइज थिंकिंग है। लेकिन जब हम सोचते हैं यार ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, कोई कारण तो रहता है, कुछ तो लेसन सीखने ही होते हैं, तो कौन सी थिंकिंग में आप आ गए? आप आ गए पैराडॉक्सिकल थिंकिंग में। पैराडॉक्स में हम ज़्यादा समय के लिए रह पाते हैं या नहीं रह पाते, सवाल ये है। कभी कभी तो सब बहुत अच्छा लगता है, वो ना कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, अपने घर में पैदा हो तो अच्छा नहीं लगता, किसी और के घर में पैदा हो तो ही अच्छा लगता। तो मैं तू वाली थिंकिंग फिर से। तो आप इस स्थिति में जिसमें कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सब कुछ गलत नहीं है, कुछ भी सब कुछ सही नहीं है, इस स्थिति में आप कितनी देर रह पाते हैं? बात पूरा ये है, पैराडॉक्स को आप सोच लीजिए कि एक नट को देखें आपने, जो नट चलता है रस्सी के ऊपर चलता है, कभी कभी अपने सर्कस में भी देखा होगा, उसके हाथ में एक बैम्बू होता है, एक डंडा होता है, जिससे वो अपने आप को बैलेंस करता है। इतनी ऊपर वो रोप होती है, रस्सी इतनी ऊपर होती है, पर वो उससे गिरता नहीं है, वो उसको बैलेंस करता है। बैलेंसिंग का मार्ग ही तो दोस्तों हमें गौतम बुद्ध ने दिया था ना। सब किसी को पूरा सही करार कर दीजिए, ना किसी को पूरा गलत करार कर दीजिए, दोनों तरफ के पॉइंट्स को समझना, इसको गौतम बुद्ध ने मार्ग जो दिया था उसको हम बोलते हैं मध्य मार्ग। तो आप पैराडॉक्स में रहते हैं, दिन भी सुंदर है, रात भी सुंदर है, सूर्य भी सुंदर है, चंद्रमा की भी अपनी सुंदरता है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना अरे दिन तो अच्छा होता है, रात तो मुझे तो रात बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं, तो आप पोलैरिटी की थिंकिंग में हैं। हर चीज़ को उसी खूबसूरती के लिए जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो हम पैराडॉक्सिकल थिंकिंग में आ जाते हैं। और जब आपको ज़्यादा समय पैराडॉक्स में रहना आ जाता है, मतलब क्या खूबसूरती है पैराडॉक्स की, आप किसी को भी पूरी तरह से गलत नहीं करार कर पाते। और मज़े की बात तो ये कि जब आपको रहना आ जाता है पैराडॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो आप क्या देखते हैं कि आप कुछ भी करके पुरानी वाली थिंकिंग पर नहीं जा सकते। कि आपकी पुरानी वाली थिंकिंग थी ना कि वो बड़ा गंदा इंसान है, मैंने अपने एक हेल्प को जो हमारे यहाँ पर हेल्प करती हैं, उसको मैंने बहुत बार बोलते सुना कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, उसकी जिसके साथ शादी हुई है वो बहुत गंदा इंसान है। आप कभी इस थिंकिंग पर दोस्तों आ ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक लार्जर पिक्चर दिखना शुरू हो जाता है। एक तो है हमारा स्मॉल आई, मी वाला, वो स्मॉल आई है, उसको छोड़कर आपकी थिंकिंग शिफ्ट हो जाती है बिग आई में। बिग आई जो ऑल सीइंग आई है, जो जिस आँख को सब कुछ दिखाई देता है, वो जो थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, जिसको सब कुछ दिखाई देता है, तो आप किसी को दोषी ठहरा पाएंगे क्या? देखिए आपको एक बड़ी एक मज़ेदार किस्सा बताती हूँ। गौतम बुद्ध के ऊपर किसी ने आकर थूक दिया, उनके साथ उनके डिसाइपल आनंदा चल रहे थे,
आनंदा को बहुत जोर से गुस्सा आया। बोले, तथागत आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम छोड़ेंगे नहीं इसको। तो बुद्ध ने कहा, आनंद मैं शांति से बैठा हूं, तुम क्यों इतना उग्र व्यवहार कर रहे हो? ये कहानी मेरी और इसकी कई जन्मों से चलती आई है। आज मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, और जो हम ये जो चक्की कई जन्मों से पीस रहे हैं, हमने इसका अंत कर दिया। दोस्तों, ये बात ये होती है कि आप इतने समय पैराडॉक्स में रहते हो, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, या बोले तो सब कुछ सही है, जो है भला है, शुभ है, सुंदर है। जब आप हमेशा इस थिंकिंग में रहते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में क्या होना शुरू हो जाता है? आपके शरीर में एक एल्केमी होनी शुरू हो जाती है। एल्केमी को दोस्तों सिंपल भाषा में बोले तो एक मैजिक होना शुरू हो जाता है। देखिए, आपके बहुत सारे टूटे टूटे पार्ट्स हैं, आपके अंदर ही अवेकेंड भी है, आपके अंदर ही वो है जिसकी अवेकनिंग अभी हो रही है, आपके अंदर ही है वो सारे पार्ट्स, वो सारे एक साथ आकर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अपना शैडो वर्क। देखिए, ध्यान करते हैं, कभी कभी आपको कुछ भयानक भयानक सीन दिखाई देते हैं, लोग डर जाते हैं, ध्यान करना छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो आप देखना नहीं चाहते, ये आपके खुद का ही शैडो सेल्फ है, आपकी खुद की ही डार्कनेस है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पैराडॉक्स में रहते हैं, माने अपने आप को बैलेंस 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 करके रहते हैं, किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में नहीं चले जाते, एक्सट्रीम में नहीं जाना दोस्तों किसी भी चीज़ में। दोबारा से मुझे गौतम बुद्ध के एग्जांपल की याद आ रही है। गौतम बुद्ध ने हर कितने गुरुओं के पास गए, और जो जिस गुरु ने कहा कि हाँ तुम्हें ये करने से एनलाइटनमेंट मिल जाएगी, वो उन्होंने किया। किसी ने बोला कि तुमको 3 महीने तक सिर्फ एक चावल का दाना खाना है, हर रोज़ सिर्फ एक चावल का दाना खाना है, उन्होंने वो भी किया। कोई गुरु ये नहीं बोल सकता था कि तुमने हम मार्ग जो हमने मार्ग दिखाया तुमने फॉलो नहीं किया, इसलिए तुम्हारी एनलाइटनमेंट नहीं हुई। तो 3 महीने तक वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गए, उनका पेट बिल्कुल उनकी पीठ के साथ लग गया, और उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची। एक दुबली पतली सी नदी थी वहाँ पर, उस नदी में वो उतरे, और उस नदी में वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, नदी उनको बहा कर लेकर जा रही थी। तो उन्होंने उस मोमेंट पर किसी तरह से एक पेड़ की शाखा को पकड़कर अपने प्राणों को बचाया, और उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे अब कोई अति करनी ही नहीं, मुझे अब एक्सट्रीम करना ही नहीं। और यही मैसेज हमारे मैत्रेय बुद्धा का भी था कि आप हर चीज़ को एंजॉय कीजिए। यही मैसेज ओशो का भी था, जिन्होंने मैसेज दिया जोरबा तो बुद्धा था, बुद्धा भी बनो और जोरबा की तरह एंजॉय भी करो। दोस्तों, हर चीज़ में आप मध्य मार्ग में चलें, और जैसे जैसे आप मध्य मार्ग में स्थित हो जाएंगे और स्थित हो जाएंगे और स्थित हो जाएंगे, आपके अंदर एक बहुत सुंदर समन्वय बैठना शुरू हो जाएगा, और आप एनलाइटनमेंट के मार्ग पर आगे अग्रसर होंगे। आपकी एनलाइटनमेंट शुभ हो, सुंदर हो। इसी मैसेज के साथ मैं आप सभी से आज के दिन के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, लव एंड लाइट। बदले जीवन।